जय श्री नारायण दोस्तों, किस तारीख को है आखिरी बड़ा मंगल, अभी से जान लें धन संपत्ति पाने का अचूक उपाय और साथ ही जान लें मसूर की दाल से जुड़ा हुआ ये एक छोटा सा उपाय जिसको करने से हनुमान जी आपके सारे दुख हर लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस साल का आखिरी बड़ा मंगल 30 मई 2023 को पड़ेगा। ज्येष्ठ माह के मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बड़े मंगल का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवारों को बड़ा मंगल कहा जाता है क्योंकि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार विशेष होते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए बड़ा मंगल के दिन पूजा करना सर्वोत्तम माना गया है। बड़ा मंगल को बुढ़वा मंगल भी कहते हैं क्योंकि ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को ही हनुमान जी ने बुजुर्ग अवतार लेकर के भीम को परास्त किया था और उनका अहंकार तोड़ा था, इसीलिए इस दिन हनुमान जी को बुजुर्ग अवतार की पूजा की जाती है। साथ ही कुंडली में मंगल दोष हो तो उसे दूर करने के लिए भी बड़ा मंगल के दिन पूजा करना बहुत ही लाभ देता है। इस साल का आखिरी बड़ा मंगल 30 मई को है। इस दिन गंगा दशहरा भी है तो तीन बेहद ही शुभ संयोग बन रहे हैं। यदि कुंडली में मंगल दोष हो तो विवाह में देरी होती है, वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, जीवन साथी को समस्या हो सकती है, संपत्ति पाने में अड़चन आती है, व्यक्ति के साहस पराक्रम में कमी रहती है। वहीं मंगल मजबूत हो तो व्यक्ति को मनपसंद नौकरी करियर में तरक्की पाने में आसानी होती है। चलिए अब जान लेते हैं बड़े मंगल के दिन कौन से उपाय आप कर सकते हैं। लिहाजा कुंडली का मंगल दोष दूर करना हो तो हनुमान जी की कृपा पाना बड़ा मंगल के दिन कुछ उपाय कर लें। इसके लिए चौथा बड़ा मंगल का व्रत रखें, विधि विधान से पूजा करें, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर से करें। यदि आप नौकरी में तरक्की पाना चाहते हैं तो 30 मई को आखिरी बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी को पान का बीड़ा बेहद प्रिय है, इसलिए उन्हें बड़ा मंगल के दिन पान का बीड़ा चढ़ाएं। इससे नौकरी व्यापार में तरक्की मिलने के योग बनते हैं, उन्नति की राह में आ रही सारी बाधाएं दूर होती हैं। यदि आप जिंदगी में सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो बड़ा मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा करें, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। बड़ा मंगल के दिन बजरंग बली को बेसन या फिर मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन में दुख और कष्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो बड़ा मंगल जो है एक बेहतर समय है जब आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। बड़ा मंगल के दिन आपको बहते हुए जल में मसूर की दाल को प्रवाहित करना है, हनुमान जी की पूजा करके उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, इससे हनुमान जी आपके सारे दुख हर लेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं बड़ा मंगल के दिन भूल करके भी कौन सी चार गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। बड़ी मंगल के दिन रुपए पैसे उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि बड़े मंगल के दिन उधार में दिया गया धन बड़ी मुश्किल से वापस आता है, साथ ही लोगों को आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बड़े मंगलवार पर उत्तर दिशा में दिशाशूल रहने से इस दिशा में यात्रा करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि इस दिशा में यात्रा करना बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, तो यात्रा पर जाने से पहले गुड़ अवश्य खाएं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बड़े मंगलवार के दिन शुक्र और शनि ग्रह से संबंधित रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, साथ ही क्रोध करने या किसी व्यक्ति को अपशब्द भी नहीं बोलने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बड़े मंगल पर नमक, अंडा या मांस मदिरा का सेवन करने की मनाही होती है। ऐसा करने से हनुमान जी नाराज होते हैं, जीवन में कई सारी बाधाएं आती हैं। ये जानकारी यहीं तक ही उम्मीद है, दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्णा।